लेन जी वेलकम बैक। और पिछली वीडियो देखते देखते हमारा सिस्टम जो है वो शट डाउन हो गया अचानक, तो वहीं पे क्लिप रुक गया। तो वहीं से शुरू करते हैं। बाहुबली 2 हम देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो राजा बन बाहुबली गया, को मारने की बात कर रहा था भल्ला से, उसका बल्ला राजा पिता बन जो है गया, ना। बल्ला राजा बन गया। अब तो तुम महाराज हो, बाहुबली को मरवा दो। तुम्हें रोकने वाला कौन है? मरवा दो। ये किसी को मारने का आदेश तो दे सकता है, लेकिन उसे अमल में लाने का अधिकार अब तक राजमाता के पास है। इस रीत को बदलना होगा। शिवगामी को बदलना? सूर्य कभी पश्चिम से उदय नहीं होता भल्ला। पश्चिम से उदय हो या ना हो, मैं उसे पूरब में अस्त करवा के रहूंगा। तुमने एक सांप को दूध पिलाया शिवगामी, जो अब अपने फन फैला रहा है। एक न एक दिन वो जरूर डस लेगा। तुमने आज तक मेरी किसी बात का मान नहीं रखा। मेरे कारण अब दोनों के बीच दरार आ गई। मुझे इसका बहुत दुख है। मां का रूठना तभी तक है जब तक हम उन्हें एक पोता नहीं दे देते। मैया की गोदी में है कटप्पा जी। कहिए, तुम मेरे लिए कोई उपहार नहीं लाए? मैं वो गुलाम हूं जिसे आपको आशीर्वाद देने का भी अधिकार नहीं। भला मैं आपको क्या दे सकता हूं? तुम जो दे सकते हो वही मांगूंगी। दोगे? मांग लीजिए। हमारे यहां रिवाज है कि जन्म लेते ही बच्चे को मां से पहले दादा के हाथ में रखते हैं, दीर्घ आयु के लिए। मेरे पिता नहीं है और इनके भी नहीं। मेरे बच्चे को तुम गोद में लोगे ना कटप्पा? इस गुलाम को साथ रखना ही बड़ी बात है। आपने तो मुझे पिता का स्थान दे दिया। मैं उसे गोद में नहीं उठाऊंगा, अपने सर पे बिठाऊंगा। राजमाता शिवगामी देवी पधार रही है। मां बनने वाला है। तुम्हारी कोख में पलने वाला माहिष्मति का उत्तराधिकारी है, ध्यान रहे। तुम उसे मां कहने का अधिकार खो चुके हो। वो यहां सिर्फ राजमाता का कर्तव्य पूरा करने आई है, बस। मुझे आने में देर तो नहीं हुई? शेरनी के पेट से तो सिर्फ शेर ही जन्मेगा, नन्हे शेर के लिए। कुमार ने ही इस शेर का शिकार किया है, जानती हो? ये सच है कुमार? जब हाथ में बाहुबली का दिया अस्त्र हो और सीने में बाहुबली का भरा हुआ साहस, तो मैं क्या, एक बच्चा भी शेर को मार गिराएगा? श्री 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 भल्लाल देव महाराज पधार रहे हैं, सावधान। तुम्हें ऐसी भेंट देने वाला हूं जो तुम सोच भी नहीं सकती देवसेना। वो क्या है महाराज? कोई भी गर्भवती नारी सोने चांदी से ज्यादा अपने पति का साथ चाहती है। बाहु, राज्य की देखरेख में तुम इतना डूबे रहते हो कि देवसेना को समय नहीं दे पाते, इसलिए तुम्हें तुम्हारे कर्तव्यों से मुक्त करके मैं ये भार सेतुपति को सौंपता हूं, जो आ गया महाराज। आपकी आंखों के सामने ये सब नाटक हो रहा है और आप एक पत्थर की तरह चुपचाप देख रही हैं राजमाता।
देवसेना, लगता है तुम हमारी परंपरा नहीं जानती। किसे कौन सा पद देना है यह निर्णय लेने का अधिकार केवल महाराज का है। सब बहाने हैं राजमाता। एक दुष्ट के अत्याचार से ज्यादा एक सज्जन का मौन राज्य के लिए हानिकारक है, ये बात नहीं जानती आप? बाहुबली जैसे महावीर को पद से हटाकर उसका अधिकार एक कुत्ते को दिया जा रहा है, ये सब देखकर भी आप चुप हैं? यहाँ जो भी आया है मेरे लिए भेंट लाया है। आपने कुछ नहीं दिया, जो मांगू वो देंगे आप? आपको माहिष्मती के सिंहासन पर विराजना है, यही मेरी कामना है। ये सिर्फ मेरी नहीं समस्त प्रजा की कामना है, और कहते हैं प्रजा की कामना पूरी करना क्षत्रिय धर्म है। अपना धर्म निभाएं। मां, महाराज के आने का समय हुआ है, चाहे कोई भी हो बगल से आना पड़ेगा। आप आगे आइए, कोई बात नहीं, आप जाइए। आओ आओ, जल्दी जल्दी आओ, पीछे अभी बहुत लोग बाकी हैं, सबको आगे आना होगा। आओ, इसके बाद तुम। इसे बंदी बना लो, बंदी बना लो इसे। बाहुबली की धर्मपत्नी देवसेना पर आरोप है कि उन्होंने सेना नायक सेतुपति की उंगलियां काट दी। राजमाता शिवगामी देवी की आज्ञा से श्री श्री भल्लाल देव महाराज के समक्ष ये सुनवाई प्रारंभ हो रही है। अवश्य। देवसेना, क्या तुम्हें अपने अपराध के बारे में कुछ कहना है? किसी सुनवाई के बिना ही मुझे हथकड़ियां पहना दी गई, और पहले ही निर्णय हो चुका है कि मैं अपराधी हूं। ये कहां का न्याय है? तुम निर्दोष साबित होने तक अपराधी हो, यही माहिष्मती का दंड विधान है। आदिवासी भी जिन्हें घिनौना समझते हैं उन तौर तरीकों को आप दंड विधान कहते हैं? तो ऐसे दंड विधान को आग लगा दीजिए, अपने न्याय शास्त्र को गंगा में बहा दीजिए, अपने शासन को सूली पर चढ़ा दीजिए। जिस राज्य की मति भ्रष्ट है उसका माहिष्मती जैसा बड़ा नाम, छी। देवसेना, इस महान साम्राज्य के बारे में अगर एक और अपशब्द भी निकाला। बड़ी बड़ी प्रतिमाओं और ऊंचे ऊंचे सिंहासनों से महान साम्राज्य नहीं बनता राजमाता, एक विशाल हृदय से बनता है। लगता है वो यहाँ किसी के पास नहीं है, धिक्कार है। देख लिया महाराज, आपके सामने इतनी निर्लज्जता के साथ बात कर रही हैं, तो सोचिए मेरे सामने आपके बारे में कितनी तुच्छ बातें कही होंगी। सोच के देखिए महाराज। आ गया। गली गली तेरी लौट चली। बाहुबली आ रहा है। बाहुबली ध्यान दे, लोगों को चेहरा ध्यान से तेरे को ऐसा राजा बना देखते नहीं बल्ला ना। वास्तव में क्या हुआ था बताओ सेतुपति। शिवालय भक्तों से भरा हुआ था महाराज, देवसेना भी वहां दर्शन के लिए आई, तभी आपके आने का समय हो गया था, तो मैंने उनसे कहा कि वो मुख्य द्वार की जगह दूसरे द्वार से आए। बाहु, ये क्या व्यवहार है? तुम पीड़ित को धमका रहे हो। विनती करने से सच बाहर नहीं आएगा महाराज। अपनी हद पार कर रहे हो बाहुबली। एक गर्भवती को बेड़ियों के साथ खड़ा करके ये सभा पहले ही अपनी हद पार कर चुकी है माँ। चाहे गर्भवती हो या वृद्ध, तुम हो या मैं, न्याय विधान सब के लिए एक है। जानते भी हो क्या हुआ था? क्या हुआ था देवसेना? शिवालय में सभी महिलाओं को एक तरफ बुलाया, अंदर भेजने के बहाने वो सब पर हाथ डाल रहा था। मेरे साथ भी वो यही करने वाला था, झूठ बोल रही है। तो उसकी उंगलियां काट दी।
गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। सीधा कहा कि उसकी उंगलियां नहीं काटते उसका सर काटते हैं। और फैसले जंग की शुरुआत हो गई है, जंग की शुरुआत हो गई है क्योंकि किसी को मेरे ख्याल में काफी अब गड़बड़ हो जाएगी आगे। लेकिन एक चीज ये है कि ऑन स्पॉट इंसाफ ये होना चाहिए फैसला। अच्छा ऐसे ही अगर फैसले हो ना तो क्राइम जीरो, जीरो और बिल्कुल ऐसे है क्राइम बिल्कुल हो ही ना। और बंदा कुछ भी करने से पहले 100 दफा सोचेगा यार इसका नतीजा क्या होगा। लेकिन अब तो जो भी बंदा क्राइम करता है उसके माइंड में यही होता है कि भाई जी रोकड़ा लगाएंगे बच्चे जो मर्जी करो। चले अगला पार्ट देखते हैं जी, यहीं से शुरू करते हैं, आगे क्या होने वाला है तो अगले पार्ट के लिए चलते हैं।